वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। इसके पहले हम इसके 8 पार्ट कर चुके थे, ये हमारा 9वां पार्ट है। अगर आप इसके बाकी के 8 पार्ट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। इसके सारे क्वेश्चंस को हम काफी शॉर्ट मेथड से बताएंगे, जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। इस टॉपिक से हम 500 से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 55, जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल 2015 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक चतुर्भुज एबीसीडी की चार भुजाओं को एक वृत्त स्पर्श करता है, एबी प्लस सीडी डिवाइडेड बाई सीबी प्लस डीए का मान किसके बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी है, इसके चारों भुजाओं को एक वृत्त स्पर्श करता है। अगर चारों कोनों के बारे में बोलता तो हम वृत्त के अंदर बनाते चतुर्भुज को, जिससे कि चारों कोनों को स्पर्श करता है। बट बोल रहा है चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो हम वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज बनाएंगे, जैसे कि ये हमारा एक वृत्त हो गया। और बोल रहा है इसके चारों भुजाओं को एक चतुर्भुज एबीसीडी है, जिसके चारों भुजाओं को एक वृत्त स्पर्श करता है। तो यहां से हमने एक चतुर्भुज ड्रॉ कर दिया, और बोल रहा है इसके चारों भुजाओं को एक वृत्त स्पर्श करता है, तो हमने इस तरह से इसका फिगर ड्रॉ कर दिया। इस चतुर्भुज का नाम रखा हमने ए बी सी डी, बिकॉज बोल रखा है एक चतुर्भुज। यहाँ पे आप देख रहे हो, अब ये क्वेश्चन के हिसाब से हो गया, एक चतुर्भुज एबीसीडी के चार भुजाओं को एक वृत्त स्पर्श करता है। तो हम देख रहे हैं एक चतुर्भुज एबीसीडी है, जिसके चारों भुजाओं को एक वृत्त स्पर्श कर रहा है। हमने उसका नाम रखा, ये स्पर्श किस पे कर रहा है, तो एम पे कर रहा है, एन पे कर रहा है, ओ पे कर रहा है और पी पे कर रहा है। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है, समान स्पर्श रेखा, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं बाह्य बिंदु यहाँ से खींचा गया एक स्पर्श रेखा है, वो वृत्त के दो पार्ट्स को टच कर रहे हैं, तो उस स्पर्श रेखा की लंबाई सेम होती है, यानी कि एम इक्वल टू हो जाएगा एपी, उसी तरह से डीपी इक्वल टू हो जाएगा ओडी, उसी तरह से ओसी इक्वल टू ओए एंड उसी तरह से बीएन इक्वल टू बीएम हो जाएगा। ये हमारा आ गया कि ये एम इक्वल टू एपी, DP इक्वल टू OD, OC इक्वल टू ON एंड BM इक्वल टू BN। उसके बाद हमसे क्वेश्चन कर रहा है, यहां तक तो हमारा निकल गया। फिर हमसे क्वेश्चन कर रहा है AB प्लस CD डिवाइडेड बाय CB प्लस DA बराबर क्या होगा। तो AB, AB हमारा ये पार्ट है, तो AB बराबर हम लिख सकते हैं, AB को AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो AM प्लस BM। तो ये हो गया हमारा AM प्लस BM प्लस फिर कह रहा है CD, CD कह रहा है, तो CD कौन सा है, तो OD प्लस OC से हम लिख सकते हैं, प्लस OD प्लस OC डिवाइडेड बाई फिर कह रहा है CB प्लस DA, तो CB क्या है, तो CN प्लस NB, CN प्लस NB प्लस फिर कह रहा है DA, यानी कि AP प्लस PD। इस तरह से ये हमारा हम देख रहे हैं, इस तरह से आ गया। उसके बाद या तो हम नीचे वाले या फिर ऊपर वाले को, ऊपर वाले के जैसे, अगर ऊपर वाले को हम चेंज करेंगे तो उसे हमें नीचे वाले जैसे लाने होंगे, अगर हम नीचे वाले को चेंज करेंगे तो ऊपर वाले जैसे लाएंगे, तो वो कैसे, तो कह रहा है एम, एम इक्वल टू हमारा दे रखा है क्या एपी, फिर कह रहा है बी एम, बी एम इक्वल टू दे रखा है बी एन, या फिर इसे हम कह सकते हैं एन बी प्लस ओडी, ओडी इक्वल टू दे रखा है ओपी, सॉरी ओडी इक्वल टू दे रखा है डीपी, तो ये हमारा हो गया डीपी। नेक्स्ट कह रहा है OD इक्वल टू DP, नेक्स्ट कर रहा है हमारा OC, OC इक्वल टू क्या है, तो ON, और नीचे हम जाए तो नीचे हमारा दे रखा है, सबसे पहले हम CB, CB को क्या दे रखा है, CN प्लस NB, फिर कह रखा है AD, AD को क्या दे रखा है, तो AP प्लस PD, सॉरी AP प्लस PD, हमने यहाँ पे AD लिख दिया, AP प्लस PD दे रखा है। तो इस तरह से हम अगर नीचे वाले को सरियाना शुरू करें, तो यहाँ पे हमारा AP है, तो इसे हमने फर्स्ट में लिख दिया, फिर यहाँ पे NB है, इसे भी हमने लिख दिया NB, फिर है डीपी, डीपी आप देख रहे हैं यहाँ पे है, तो प्लस डीपी, फिर हमारा क्या है, तो फिर हमारा क्या है, तो हम देख सकते हैं फिर से ये हमारा ओएन नहीं होगा, ये हम ओसी इक्वल टू हमारा ओएन नहीं होगा, ओसी इक्वल टू सीएन होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओसी इक्वल टू सीएन होगा, तो इसे हमने सीएन लिखा, इस तरह से ये हो गया सीएन, तो ये ऊपर से नीचे कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया क्या आंसर, तो वन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हम यहाँ पे देख रहे थे कि बोल रहा था कि एक चतुर्भुज एबीसीडी की चार भुजाओं को एक वृत्त स्पर्श करता, तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। तो हम यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर वृत्त जो होती है, अगर उसके बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, जैसे कि एपी इक्वल टू एम
PD इक्वल टू OD, OC इक्वल टू CN एंड BN इक्वल टू BM। फिर हमसे पूछ रहा था AB प्लस CD डिवाइडेड बाय CB प्लस DE क्या होगी, तो हमने AB इक्वल टू लिख दिया AM प्लस BM, CD इक्वल टू लिखा क्या तो OD प्लस OC। उसी तरह से CB इक्वल टू हो गया हमारा CN प्लस NB एंड AD इक्वल टू हो गया AP प्लस PD। उसके बाद हमने सारे को वैल्यू को पुट कर दिया, AM इक्वल टू हम लिख सकते हैं AP, BM इक्वल टू BN, OD इक्वल टू DP एंड OC इक्वल टू CN। उसके बाद देख रहे हैं तो ऊपर एंड नीचे सारे इक्वल आ रहे हैं, इस तरह से कैंसिल हो गया तो 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 जो कि आपको SSC CHSL 2015 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है और इस पर P एक बिंदु है, यदि एंगल POA इक्वल टू 120 डिग्री है तो एंगल PBO इक्वल टू क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि AB एक वृत्त है, AB एक वृत्त का क्या बोल रहा है तो व्यास, तो यहाँ से हमने एक व्यास ड्रॉ कर दिया, इसका नाम रखा AB। फिर बोल रहा है जिसका कि केंद्र O है, केंद्र का नाम हो गया O, और बोल रहा है वृत्त पर P एक बिंदु है तो यहाँ पे हमने एक बिंदु ड्रॉ कर दिया P। बोल रखा है एंगल POA इक्वल टू 120 डिग्री तो ये हो गया 120 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है एंगल PB इक्वल टू व्हाट, एंगल PBO इक्वल टू व्हाट, एंगल PBO का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ये वाला हमारे यहाँ से एक वैल्यू पूछ रहा है ये वाला, तो इसे हमने x मान लिया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, इसका वैल्यू हमारा दे रखा है 120। तो हम जानते हैं एक रेखा पे जितने भी एंगल्स बनते हैं सारे का योग 120 होता, 180 होता है, यानी एंगल AOP प्लस एंगल POB इक्वल टू 180। इस तरह से एंगल POB इक्वल टू आ गया 60 डिग्री बिकॉज AOP इक्वल टू क्या है तो 120। इस तरह से ये वाले जो एंगल है हमारे ये हो गया क्या 60 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री और इसका मान हमने x माना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा OB इक्वल टू OP है, दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल होंगे, OB इक्वल टू OP। तो अगर रेडियस इक्वल है तो ये हमारा एक द्विबाहु त्रिभुज ड्रॉ हो रहा है, OB इक्वल टू OP दे रखा है तो ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज ड्रॉ हो रहा है। तो अगर इस तरह से एक भुजा, दो भुजा इक्वल होते हैं तो इसका सामने के कोण इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल OBP इक्वल होगा किसके तो एंगल OPB के, इक्वल टू क्या x हमने माना तो इसे भी हमने x मान लिया। फिर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है तो 180, यानी x प्लस 60 इक्वल टू 180, यानी कि यहाँ पे 2x इक्वल टू 120 तो x इक्वल टू 60, यानी कि हमारा हो गया एंगल PBO इक्वल टू 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमारा बोल रहा था कि AB एक वृत्त है जिसका कि AB एक वृत्त का व्यास है, फिर बोल रहा है जिसका केंद्र O है और वृत्त पर P एक बिंदु है तो हमने यहाँ पे एक बिंदु ड्रॉ किया P। फिर बोल रहा था एंगल POA इक्वल टू 120 डिग्री, तो हम जानते हैं कि एक रेखा पे जितने भी कोण बनते उन सारे का, अगर यहाँ पे एक रेखा है इस पे अगर इतने सारे ढेर सारे भी एंगल बनते तो इन सारे का सम कितना होता तो 120। इसी तरह से एंगल AOP प्लस एंगल POB इक्वल टू हो गया 120 तो एंगल POB इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम जानते हैं कि वृत्त के जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते तो OB इक्वल टू OP इक्वल टू R। तो अगर दो भुजाएं हमारे इक्वल होंगे तो इसके सामने का दोनों कोण इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल OBP इक्वल टू एंगल OPB इक्वल टू X। यहाँ से हमने X का वैल्यू निकाला तो आया 60 डिग्री, यानी एंगल PBO इक्वल टू 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। त्रिभुज ABC की दो माध्यिकाएं BCF हैं और G उनके प्रतिच्छेद का बिंदु है, EFAG को O पर काटती है, अनुपात AO रेशियो OG किसके बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन करे कि एक त्रिभुज ABC बोल रहा है इसके दो माध्यिकाएं हैं, A ट्रायंगल है ABC, इसके दो माध्यिकाएं हैं BE और CF, डी एंड सी एफ। बोल रहा है ये जो है एक दूसरे को जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इनका प्रतिच्छेद बिंदु है जी बिंदु। फिर कह रहा है EF AG को O पर काटती है, EF जो है AG को किस पे काटती है तो O पे, तो EF को क्या हो जाएगा तो ये AG को किस पे काट रही है तो O पे। तो यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया A, एक माध्यिका यहाँ से ड्रॉ कर दिया तो ये इसे O पर काट रही है, AG को O पर काट दिया। तो हमसे पूछा AO रेशियो OG किसके बराबर होगा, AO रेशियो OG किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हमको ट्रायंगल EFG और ट्रायंगल BGC देखे तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूले क्या होते हैं, अगर ट्रायंगल EFG एंड ट्रायंगल BGC सिमिलर है एक दूसरे को तो इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, तो दोनों के भुजाओं का रेशियो इक्वल होता है, यानी BG
डिवाइडेड बाई जी इक्वल होगा किसके, तो जी एन डिवाइडेड बाई ओ जी के, जी ये हमारा एन हो गया तो जी एन डिवाइडेड बाई ओ जी के बराबर होंगे। तो इस तरह से अगर हम निकाले तो ये हमारा आ गया बी जी, यानी कि बी जी। और हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती है, तो ये हमारा बी एक रास एक बी जो है एक स्पर्श रेखा, ये एक दूसरे को कितने में डिवाइड करेगी, तो 2:1 में ये डिवाइड करेगी एक दूसरे को 2:1 में। उसी तरह से एन एक रेखा है वो भी एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करेगी, ये भी एक दूसरे को कितने में डिवाइड करेगी, तो 2:1 में। उसी तरह से सी एफ भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक दूसरे को कितने में डिवाइड करेगी, तो 2:1 में। इस तरह से ये हमारा आगे 2:1 में सारे एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। तो बी जी डिवाइडेड बाई जी बोल रहा है इक्वल टू जी एन डिवाइडेड बाई ओ जी, तो बी जी कितना हो गया, तो बी जी हो गया 2, और जी ई की अगर बात की जाए तो जी ई है 1, इक्वल होगा जी एन, जी एन कितना है तो 1 डिवाइडेड बाई ओ जी, यहाँ से ओ जी हमारा आ गया 2, ओ जी आ गया 2, सॉरी ओ जी यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2, ओ जी आ गया 1/2, और ए जी बराबर हम देख रहे हैं 2 है, ए जी बराबर कितना हमारा आया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए जी जो है ये 2 है, ये वाला पार्ट हमारा 2 है। तो ए ओ रेशियो ओ जी कितना हो गया, ए ओ रेशियो ओ जी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे ए जी इक्वल टू 2 है, ओ जी इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ से हम ए ओ निकाल सकते, ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए ओ इक्वल टू हो गया, ए ओ इक्वल टू क्या हो गया, तो ए जी माइनस ओ जी, ए ओ की अगर बात की जाए तो क्या होगा, ए जी माइनस ओ जी यानी 2-1/2, इस तरह से ये हो गया 1/2। तो ए ओ रेशियो ओ जी क्या हो गया, तो ए ओ का वैल्यू है 1/2, ओ जी का वैल्यू कितना है, तो ए ओ रेशियो ओ जी तो ए ओ है 1/2, ये भी है 2-1/2 यानी कि 4-1 3/2 हो गया हमारा ए, ए ओ हो गया 3/2, तो ए ओ रेशियो ओ जी हो गया 3/2:1/2 यानी 3:1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं है, हमारा क्वेश्चन बोला था त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं हैं बी, अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ की किया हमने यहाँ पे ए बी सी बोला, इसकी दो माध्यिकाएं हैं बी एंड सी एफ, और इसे जी बिंदु पर अगर कट करता तो इनकी जो माध्यिकाएं होती है वो एक दूसरे को 2:1 में, यानी ये 2:1 में डिवाइड करेगी, ये भी 2:1 में डिवाइड की, उसी चीज को हमने यहाँ पे किया। उसके बाद अगर हम ट्रायंगल ई एफ जी और ट्रायंगल बी जी सी को देखें तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो रहा था, सिमिलर, तो अगर सिमिलर होते तो क्या होते, उनके भुजाओं का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि बी जी डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू जी एन डिवाइडेड बाई ओ जी, यहाँ से हमने ओ जी निकाला तो 1/2, ए जी का वैल्यू हमें मालूम है, तो यहाँ से हमने ए ओ का वैल्यू निकाला 3/2, तो ए ओ रेशियो ओ जी इक्वल टू 3/2:1/2 यानी 3:1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी वृत्त का व्यास है, यदि एंगल ओ सी डी इक्वल टू 50 डिग्री है तो एंगल बी ए डी का माप क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ से हम बोल रहे हैं कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये ड्रॉ कर दिया, ए बी वृत्त का व्यास हो गया, और बोल रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहाँ से हमारा सी, इस तरह से ए, यहाँ से हमने सी ड्रॉ कर दी सी एंड डी, तो ये हो गया सी डी। बोल रहा है एंगल ए सी डी इक्वल टू 50 डिग्री, यानी कि यहाँ से ये हमारा गया तो एंगल ए सी डी इक्वल टू 50 डिग्री, तो एंगल बी ए डी का माप क्या होगा, हमसे पूछ रहा है एंगल बी ए डी इक्वल टू, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एंगल ए सी डी तो मालूम है, और यहाँ पे अगर ये केंद्र है यहाँ से हम इसे एक त्रिज्या भी ड्रॉ कर सकते, तो ये जो हमारा ये जो एंगल बनता है वो हमारा कितने का बनता है, तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, यानी कि एंगल ए सी डी बराबर 50 है, सॉरी एंगल ए डी सी बराबर 50 डिग्री हो गया, फिर एंगल ए डी बी बराबर हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल सी डी बी बराबर क्या हो गया, तो 50+90 यानी कि 140, अगर ये 50 है ये 90 है, अगर ये 50 है ये 90 है, तो ये टोटल एंगल हमारा हो जाएगा कितने का, तो 140 का, तो ये टोटल एंगल हमारा हो गया 140। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं, अगर ये एंगल हमारा 140 हो गया तो हमसे पूछ रहा है एंगल सी ए बी ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमसे कौन सा एंगल पूछ रहा है, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर हमसे पूछ रहा है एंगल बी ए डी का माप क्या होगा, तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण बराबर
आमने सामने का कोण का योग 180 होता है, यानी कि एंगल बीएडी, एंगल बीएडी इक्वल टू 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। मान ले कि एसी भुजा पर पी कोई बिंदु है। यदि बीसी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और बीपी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है तो एबी बराबर क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रा किया, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री यानी एक समकोण त्रिभुज है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। फिर बोल रहा है एसी भुजा पर पी कोई बिंदु है। एसी भुजा पर हमने ये इस तरह से पी कोई बिंदु बना दिया। फिर बोल रखा है कि बीसी बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो हमसे, और एसी इक्वल टू भी दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर और बीपी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दे रखा है तो हमसे पूछ रहा है एबी इक्वल टू क्या होगा। एबी इक्वल टू क्या होगा जो हमसे पूछ रहा है, हमें दे क्या क्या रखा है तो एसी दे रखा है, बीपी दे रखा है, बीसी दे रखा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे अगर ट्रायंगल एबीसी में निकाले तो ट्रायंगल, बिकॉज हमसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो एबी का वैल्यू, एबी बराबर क्या होगा हमसे पूछ रहा है, सॉरी क्वेश्चन आपका था एपी बराबर क्या होगा, तो एपी बराबर हमसे पूछ रहा है तो एपी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसका वैल्यू मालूम होना चाहिए ताकि हम इसे समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले से निकाल लें। तो ट्रायंगल एबीसी में अगर देखें तो एबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो एबी इक्वल टू अंडर रूट बीसी का स्क्वायर, बिकॉज ये एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से बीसी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, इस तरह से ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। एबी इक्वल टू आ गया कितना, तो 6 सेंटीमीटर। फिर हम अगर ट्रायंगल एबीपी में देखें, ट्रायंगल एबीपी में हमसे पूछ रहे एपी इक्वल टू क्या होगा, तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एपी इक्वल टू बाई पाइथागोरस प्रमेय अंडर रूट बीपी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर, इस तरह से ये हमारा हो गया अंडर रूट 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि 3 रूट 5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गई, तो बी यानी कि बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। यदि एक त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में, तो त्रिभुज के लघुत्तम कोण का माप क्या होगा। तो हमने सबसे पहले माना कि त्रिभुज का एक कोण 2x है, एक 3x है, एक 5x है। बोला त्रिभुज के लघुत्तम कोण का माप क्या होगा, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 180। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाले तो x का वैल्यू आ जाएगा 18। तो हमसे पूछा त्रिभुज के लघुत्तम कोण क्या होंगे, तो लघुत्तम कौन सा हो जाएगा, तो 2x, तो 2x इक्वल टू 2 × 18 यानी कि 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन बोला था कि एक त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के लघुत्तम कोण का माप क्या होगा। तो हमने माना कि त्रिभुज के तीनों कोण 2x, 3x एंड 5x है, और हम जानते हैं कि एक त्रिभुज अगर है तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 यानी 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 180। तो ये हमारा हो गया 10x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू क्या आ गया, तो 18 डिग्री। या और हमसे पूछा था लघुत्तम कोण, तो लघुत्तम कोण कौन सा हो जाएगा, तो 2x यानी कि 2x इक्वल टू 2 × 18 तो 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।